नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवराज सिंह। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया है। तालिबान की वापसी के बाद अफगानिस्तान के हर शहर में उथल पुथल मची हुई है। लोग देश छोड़कर भागने की कोशिश में लगे हुए हैं। तालिबान ने भले ही पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया हो, लेकिन अफगानिस्तान में एक जगह ऐसी भी है जहाँ जाने से तालिबानी भी डरते हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से करीब 125 किलोमीटर दूर पंजशीर अब भी तालिबान के कब्जे से मुक्त है। बता दें कि पंजशीर घाटी लंबे समय से तालिबानी हुकूमत के विरोध का गढ़ रही है। ये अफगानिस्तान का अंतिम तालिबान मुक्त क्षेत्र था, जो 1990 के गृह युद्ध के दौरान भी नहीं गिरा था और ना ही इसे पहले कभी सोवियतों ने जीता था। तालिबान की दूसरी बार वापसी के बाद भी पंजशीर घाटी अभी मुक्त है। तालिबान ने अफगानिस्तान के 34 में से 33 प्रांतों पर कब्जा कर लिया है, लेकिन पंजशीर में अभी तक फतह नहीं पा सका है। इसकी सबसे बड़ी वजह एक ही शख्स है, जिसका नाम अहमद मसूद है। अहमद मसूद की अगुवाई में नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके तालिबान को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। यहां तक कि कई मोर्चों पर तालिबान पर भारी भी पड़ रहे हैं। बता दें कि नॉर्दर्न अलायंस के प्रमुख अहमद मसूद पंजशीर के शेर कहे जाने वाले अहमद शाह मसूद के बेटे हैं। अहमद शाह मसूद ने ही नॉर्दर्न अलायंस का गठन किया था। जब 2001 से पहले भी अफगानिस्तान में तालिबान का राज था, तब भी तालिबान पंजशीर में घुस नहीं पाया था। अहमद शाह मसूद ने ही तालिबान और रूसी सेना को अपने लड़ाकों के दम पर खदेड़ दिया था। इसके बाद 2001 में जब अमेरिका की अफगानिस्तान में एंट्री हुई, तब अहमद शाह मसूद ने ही अमेरिकी फौज की तालिबान को भगाने में मदद की थी। बता दें कि तालिबान के खिलाफ बगावत का ऐलान कर चुके अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह भी यहीं शरण ले रखे हैं। पश्चिमी और तालिबान विरोधी सरकारों के साथ निकट संबंध रखने वाले मसूद के साथ मिलकर तालिबान के खिलाफ गठजोड़ खड़ा करने की कोशिश में जुटे हैं। नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों ने 300 तालिबानियों को ढेर कर अपने इरादे जता दिए हैं कि वो घुटने टेकने वालों में नहीं है। अहमद मसूद ने साफ कर दिया है कि अगर तालिबान ने पंजशीर पर इस तरह से कब्जा करना चाहा तो उसके लिए मुश्किल होगी। हालांकि माना जा रहा है कि पंजशीर तालिबान को ज़्यादा देर तक टक्कर नहीं दे पाएगा। उधर अमरुल्ला सालेह ने तालिबान के खिलाफ मर रहे गुट की मदद करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बरादरी से अपील की है। अमेरिकी CIA अमेरिका की सुरक्षा परिषद से जुड़े रहे रक्षा विश्लेषक पाल डी मिलर कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि पंजशीर तालिबान को पंजशीर घाटी के बाहर किसी तरह की चुनौती दे पाएगा। अलबत्ता ये हो सकता है कि वो अपनी स्वायत्तता बरकरार रखने में कामयाब हो जाए। उन्होंने कहा कि यदि पंजशीर के लोग अपना विरोध कायम रख पाते हैं तो ये हो सकता है कि उन्हें कम दर्जे का अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिल जाए, ताकि अफगानिस्तान में अलकायदा और दूसरे आतंकवादी समूहों पर नजर रखी जा सके। फिलहाल नॉर्दर्न अलायंस ने तालिबान के खिलाफ जंग छेड़ दी है। हालांकि देखने वाली बात यह है कि अहमद मसूद तालिबान को रोकने में कितना सफल रहते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।